उसमें भी मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग काफी टारगेट पे थे कि उसमें जैसे मेरा जेन्युइन केस था, फिर भी मैं मेरा रिफ्यूजल नहीं था। तो ऐसे टाइम पे काफी अलर्ट हो के चीजें करनी पड़ रही है, तो खुद से जैसे मैंने अपना 100% दिया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, उसके बावजूद मेरा रिफ्यूजल हुआ। तो अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो जैसे स्ट्रगल करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता है, टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, सर्विस बहुत अच्छी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवा रहा हूं हमारे एक सब्सक्राइबर से जो गुजरात से हैं, और इनका बेसिकली शेकिट वीजा रिफ्यूज हुआ फ्रांस से, और फिर इन्होंने हमें कांटेक्ट किया हमारा यूट्यूब वीडियो देख के। उसके बाद हमने इन्हें असिस्ट किया वीज़ा के लिए और इनको महीने भर के अंदर फिर दोबारा से फ्रांस से शेंगेन वीज़ा मिल गया है। तो यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत यूजफुल टिप्स मिलने वाली हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवा रहा हूँ हमारे एक सब्सक्राइबर से जो गुजरात से हैं, और इनका बेसिकली शेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ फ्रांस से, और फिर इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया हमारा यूट्यूब वीडियो देख के। उसके बाद हमने इन्हें असिस्ट किया वीज़ा के लिए और इनको महीने भर के अंदर फिर दोबारा से फ्रांस से शेंगेन वीज़ा मिल गया है। तो यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत यूज़फुल टिप्स मिलने वाली हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मेरे साथ नचिकेता, नचिकेता भावनगर गुजरात से हैं। और नचिकेता, बेसिकली आप बताएंगे कि हमारा इंटरेक्शन कैसे हुआ, और आपने मुझे बताया था कि आप मुझसे YouTube के थ्रू मिले, तो बताएंगे कि आप YouTube पे क्या ढूंढ रहे थे प्लीज। मतलब मेरा दिसंबर में मैं एक्चुअली स्कीइंग का प्लेयर हूँ, नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, तो मैंने खुद से डॉक्यूमेंटेशन करके एक वीजा के लिए फ्रांस एम्बेसी में अप्लाई किया था। तो मुझे और उस टाइम पे जब मेरा रिफ्यूजल आया, उस टाइम पे मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था, तो जैसे मैं लैंड हुआ तो मुझे मैसेज आया घर से कि मेरा रिफ्यूजल लेटर आया है। तो फिर उस दिन से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि अगर रिफ्यूजल लेटर आया हो तो मुझे कैसे आगे क्या मेरा स्टेप रहना चाहिए। तो मैं पहले तो हम लोगों ने ये सोचा कि मैं किसी और एम्बेसी में अप्लाई करूँ, फिर ये पता चला आप ही के वीडियो से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक गलती है। तो फिर मैंने आपके वीडियो देखा, एक दो और वीडियो देखे, फिर और किसी में तो डायरेक्ट कांटेक्ट करने का इतना फिजिबिलिटी भी नहीं था। और मैंने आपका जो वीडियो देखा जिसमें आपने शायद ये डाला हुआ था कि डोंट डू दिस मिस्टेक आफ्टर रिफ्यूजल, तो वो वाला मैंने वीडियो देखा था, तो उस पे से मुझे आपका कॉन्टेक्ट भी मिल गया और ये भी कुछ बेसिक आइडिया भी आ गया था कि मुझे ये चीजें तो नहीं करनी चाहिए, और मैं वही करने जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे डायरेक्टली एक बार बात कर लूं कि क्या करना चाहिए, अब अगर ये चीजें नहीं करनी है तो मुझे क्या करनी चाहिए। तो फिर उसके दूसरे दिन मैंने मॉर्निंग में आपको मैसेज किया था और फिर अपनी बात हुई थी कि फिर आगे कैसे चलेंगे ऐसा। तो आपके यूट्यूब के उस वीडियो के थ्रू ही मुझे आपका कॉन्टेक्ट मिला था। तो आपने जब जैसे बात की तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बात करने के बाद? बात करने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब आपने पहली बार ये बताया था कि मेरी बेसिक दो तीन मिस्टेक्स तो उस टाइम पे इंडिकेट कर दी थी आपने कि ये मिस्टेक्स है और इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट आपने ये मेरे पे छोड़ा था कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या कंसल्टेंसी की और आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, ये तुम्हारे पे है कि खुद से ही वापस डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो या फिर हमारे राय लेना चाहते हो। मगर मैंने फिर काफी सोच विचार किया और मैंने कहा जो मैं कर सकता था वो तो मैंने पहली बार कर ही लिया था, अपना 100% ही दिया था, और उसमें अगर कुछ मिस्टेक हुई है तभी तो रिफ्यूजन आया। इसलिए फिर आपसे बात करके मुझे मैंने वीडियो देख के तो एक आया ही था पॉजिटिव एनर्जी, से बात करके भी मुझे लगा कि नहीं ठीक है। मैंने कुछ और कंसल्टेंट्स को भी मिलने तक टच किया था, मगर उनसे बात करके जो मतलब मेरी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए एज ए स्कीयर, कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरा इश्यू क्या है। तो मतलब मेरे को ये लग रहा था कि मैं इससे बात कर रहा हूँ या मेरे से बात करने में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं जब डॉक्यूमेंटेशन करूंगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं समझ पाएंगे, तो जो मेरा रिफ्यूजल आया है हो सकता है ये वापस रिफ्यूजल आ जाए, तो मैं दूसरा रिफ्यूजल लेना नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद फिर फाइनली फोन किया कि करते हैं, और फिर आप
से ही आपके थ्रू आगे बढ़ा था। हाँ देखिए, ऐसा है, मुझे भी जैसे आपने मुझे बताया, क्या होता है अगर ना किसी का प्रोफाइल अच्छा है तो मेरे लिए उससे ना डील करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने जो मुझे बताया, मुझे पता लगा कि भाई आपका जेन्युइन पर्पज है, आप स्कीइंग करते हैं और आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो आप वाकई में मतलब फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं और आपका मेन पर्पज स्कीइंग करना है, और जो आपकी आइटिनरी थी वो 81 डेज की थी, हाँ, तो 81 days। हाँ 81 डेज की थी बेसिकली। मुझे लगता है कि पहली बार आप शायद सही ढंग से नहीं कन्वे कर पाए कि आप स्कीइंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और साथ साथ आप घूमेंगे भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल। मतलब सेकेंड टाइम पे भी जब रिफ्यूजल आया था उनका, इंटरव्यू कॉल जो मुझे आया था, तो उनका फोकस इसी पे था कि 81 days स्कीइंग मतलब बंदा कैसे कर सकता है। तो जो मैंने फिर इंटरव्यू में बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर किया कि अगर मैं प्लेयर हूँ तो मैं 1 महीना तो यहाँ इस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम स्की कर लेते हैं, तो 81 days क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि मतलब आप किसी कॉम्पिटिशन पे आ रहे हैं या प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं प्रैक्टिस करने ही आ रहा हूँ। तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चन किए, स्कीइंग से रिलेटेड भी और फाइनेंस से रिलेटेड भी, उनके दो मेन कंसर्न थे मेरे इंटरव्यू के दौरान। तो वो दोनों में मैं भी मतलब मुझे समझ में आ गया था कि इन लोगों को इस दो पॉइंट पे प्रॉब्लम है कि एक तो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन इनको स्कीम में कन्विंस नहीं हो रहे हैं ये, इसमें काउंटर क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा इनको फाइनेंस से रिलेटेड इश्यू है कि स्कीम बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। मगर मेरे मेरा जो था वो मैंने उनको बोल दिया। फिर भी डायलेमा में तो मैं था, बट स्टिल फिर आ गया लेटर। अच्छा, आपको क्या लगता है जब दूसरी बार में हमने मिलके डॉक्यूमेंटेशन किया, जैसे जो मैंने आपको एक लेटर लिख के दिया, उसमें क्या था हाँ, ऐसा जिससे वीजा मिलने में हेल्प मिली? उसमें बेसिकली मेरा जो पहले लेटर था उसमें मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने स्कीइंग के बारे में लिखा था और टूरिज्म के बारे में भी लिखा था, तो मैंने स्कीइंग के डेज कम दिखाए थे। लगभग मैं तो जहां तक याद है मैंने 30 या 35 डेज स्कीइंग को दिखाए थे, बाकी के दिन मैंने मेरे ट्रैवल आइटनरी बताई थी थ्रू आउट द फ्रांस। तो मैंने फ्रांस को छोड़ के और कोई कंट्री भी ऐड नहीं की थी उस टाइम, तो वो अनरियलिस्टिक सा लग रहा था एम्बेसी वालों को, इसलिए उन्होंने जो पॉइंट नंबर 16 वो टिक करके मुझे रिफ्यूजल दे दिया था। मगर जब आपके पास आया तो आपने मतलब मैं वापस उस टाइप के कुछ करना चाह रहा था, तो आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया कि अब अपन टूरिज्म पे नहीं जाएंगे। अगर आपका मेन पर्पज स्कीइंग है तो पहले तो 81 days में से 60 to 70% पोर्शन स्कीइंग पे ही रखना है, और अगर बाकी का जो आइटनरी है तो फ्रांस में ना रखते हुए ओनली एक दो कंट्री और भी दिखा देते हैं। मतलब मैंने स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया को भी ऐड किया, तो उसके लिए भी कॉन्फिडेंस आया कि दूसरे कंट्रीज को भी हम अटैच कर सकते हैं। और मतलब एक कॉन्फिडेंस भी था आपसे बात करके कि भाई जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, और मैं जो मेरा मेन पर्पज स्कीइंग का उस पर फोकस भी था, पूरा कवर लेटर भी, आइटनरी भी और सारी चीजें, और इसी वजह से मेरा इंटरव्यू भी इसी चीज पे फोकस हुआ। उन्होंने मुझे टूरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। अब देखिए, जैसे जब आपने सेकंड बार अप्लाई किया तो आपको कुछ एप्रीहेंशंस थे, कुछ लग रहा था कि शायद इस बार भी ना आए, कुछ था ऐसा? वो तो लास्ट मोमेंट तक लग रहा था, इवन इंटरव्यू के बाद भी लग रहा था कि क्योंकि वो लोग कन्विंस तो नहीं थे, बात करने पे ये समझ में आ रहा था बहुत क्लियरली कि ये कन्विंस नहीं है, इसलिए इतने ज्यादा काउंटर क्वेश्चन किए हैं इन्होंने स्कीम के बारे में भी, मेरे फाइनेंस के बारे में भी। इवन उन्होंने तो ये भी पूछ लिया था आपको लीव मिली है, मतलब आप 81 days, अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको 81 days के लीव कैसे मिली है। तो ये सारे क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे थे जो काफी मतलब डायलेमा क्रिएट कर रहे थे। तो आखिरी दम तक जब तक पासपोर्ट घर पे नहीं आ गया तब तक ये तो था कि आएगा या नहीं आएगा। तो वैसे आपका क्या प्लान था जब सेकंड टाइम जब आपका रिफ्यूजल हुआ, तो आप कहीं और भी अप्लाई करने की सोच रहे थे फ्रांस के अलावा? एक प्लान ये था कि यूके में अप्लाई करके फिर वापस फ्रांस करूं, मगर ये भी है कि मैं थर्ड टाइम रिफ्यूजल तो बिल्कुल लेना नहीं चाह रहा था, तो शायद मैं फिर थोड़ा रुकता। मगर रुकता तो मेरा स्की सेशन मतलब स्कीइंग का पीरियड तो मार्च अप्रैल तक ही होता है, तो वो चला जाता, तो फिर शायद अगले साल अप्लाई करना पड़ता। मतलब ये काफी बड़ा सेटबैक हो जाता। तो वैसे आप जो हमारी सर्विसेज हैं ओवरऑल, उसके बारे में क्या आपका फीडबैक है?
सर्विसेज मतलब बेसिकली तो टाइम बाउंड बहुत अच्छे से किया, मतलब जैसे जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी तो पहले तो आपने कहा था कि अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो मैंने जैसे अपॉइंटमेंट ली और बताया कि मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई है, तो उसके आपने जिन जिन डेट्स पे दिया था उस डेट्स पे हमारे वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए थे, लाइक कवर लेटर, सबसे पहले आइटनरी हम लोगों ने मोटा मोटा आइटनरी बना लिया था, देन फाइनल आइटनरी फाइनल आउट किया, तो आइटनरी कवर लेटर फिर होटल बुकिंग्स, देन ये होटल बुकिंग्स में भी हो गया था, और देन फ्लाइट्स लास्ट जस्ट मेरे अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले मुझे फ्लाइट टिकट मिल गए थे, तो काफी मतलब टेंशन उस बात का नहीं था कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स काफी टाइम पे मिल गए थे, सर्विस एकदम अच्छी थी, और जहां मुझे जैसे कवर लेटर पढ़ के कंफ्यूजन था तो 2 या 3 बार मैंने आपसे कॉल पे बात किया था कि अपन ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे उसमें, मगर मोटा मोटा मतलब सही एक्सपीरियंस रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए नहीं, मगर आपका क्लियर था तो फिर मैंने उसी को 100% फॉलो किया और ठीक रहा, मतलब उसी हिसाब से ही मुझे मिला वीजा। क्योंकि शेंगेन वीजा रिफ्यूजल के बाद लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे? शेंगेन वीजा में मेरे एक्सपीरियंस पे से मुझे ये समझ में आया कि एक तो उनको ये समझ में आ जाता है आइटनरी देख के कि बंदा कितना जेन्यून है, और अगर जेन्यून भी हो फिर भी अगर उनको लग रहा है कि मतलब ये आइटनरी पॉसिबल नहीं है, या फिर हमको ये बंदा हो सकता है कि इलीगल इमिग्रेशन की तरफ जा रहा है, तो मोस्टली वो उसको ही काटना चाह रहे हैं, उसको उस टाइप के बंदों को कम करना चाह रहे हैं, इसलिए अगर लॉन्ग वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मेरा 81 डेज का था, मतलब 3 महीने का मैं अप्लाई कर रहा था, तो इस टाइप के एरियाज को, और उसमें भी मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग काफी टारगेट पे थे कि उसमें जैसे मेरा जेन्यून केस था फिर भी मैं मेरा रिफ्यूजल नहीं, तो ऐसे टाइम पे काफी अलर्ट होके चीजें करनी पड़ रही है, तो खुद से जैसे मैंने अपना 100% दिया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, उसके बावजूद मेरा रिफ्यूजल हुआ, तो अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो जैसे स्ट्रगल करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता है, टाइम भी बचता है पैसे भी बचते हैं, और दूसरा ये कि फाइनेंस चीज पे भी उनका काफी ज्यादा ध्यान है, मतलब अगर लंबा प्लानिंग है तो उस हिसाब से फाइनेंसिस भी आपके अकाउंट में होने चाहिए, और अगर नहीं है तो अगर जैसे मुझे इंटरव्यू को होना था और मैंने क्वेश्चंस पूछे थे तो उसका फिर सही जवाब आपके पास होना चाहिए कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है और मैं ये कर लूंगा ऐसा। ठीक है नचिकेता, आपने हमसे बात की। मैं यहाँ पे दर्शकों को फिर बता देता हूँ कि नचिकेता का जो आइटिनरी थी वो 81 दिन की थी, और 81 दिन की आइटिनरी बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है। इनफैक्ट 10-15 दिन की आइटिनरी बनाना भी बहुत चैलेंज होता है, लेकिन आपका पर्पज जेन्युइन था तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। और बेसिकली आपको पता था स्कीइंग के लिए आपको कहाँ जाना है, तो थैंक्स कि क्योंकि होता क्या है, मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है जो हमारा क्लाइंट है उसको भी पता हो उसको क्या करना है। मतलब अगर क्लाइंट कहते जी मुझे वीजा चाहिए, दैट डज नॉट हेल्प। ठीक है, तो आपने अपनी रिसर्च की, इट वाज वेरी यूजफुल फॉर अस, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।